सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको के F5 स्मार्टफोन के बारे में, और इसके लिए फाइनली इंडिया में हाइपर ओएस 1.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का ऑफिशियल अपडेट है, वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इस अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से नए फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सभी फीचर्स के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर बताने ही वाला हूँ, प्लस वीडियो में एंड में ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस अपडेट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई बग्स हैं वो मिलते हैं या फिर नहीं। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आप लोग इंडिया में पोको का F5 स्मार्टफोन है वो यूज़ कर दो, वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे कोई और बड़ा अपडेट है वो रिलीज़ होता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इस अपडेट के अंदर आपको फर्स्ट चेंज है वो देखने को मिलता है सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। सेटिंग एप्लीकेशन को आप लोग जैसे ही ओपन कर दो तो यहाँ पर इसका कंप्लीट लेआउट है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। जितने भी आपको यहाँ पर ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, इन सभी आइकन्स को इस अपडेट के अंदर चेंज यहाँ पर कर दिया गया है, और जितने भी आपको ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, इन सभी टेक्स्ट के जो फॉन्ट्स हैं वो भी आप लोगों को पुराने वाले अपडेट से स्लाइटली डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बैटरी वाले ऑप्शन को आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस हैं वो नज़र आ जाएंगे, जैसे कि बैटरी प्रोटेक्शन वगैरह, कुछ इनके फीचर्स के जो नेम है ना वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर और कोई बड़ा चेंज है वो नहीं है। इस अपडेट के अंदर आपको सबसे बड़ा चेंज है ना वो देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर फुल्ली चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। MIUI 13 का आप लोगों को कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर याद होगा, MIUI 14 का अपडेट आया था तो उसके अंदर सेम वही कंट्रोल सेंटर था जो कि MIUI 13 अपडेट के अंदर मिला करता था। तो इस बार यहाँ पर Xiaomi ने काफ़ी अच्छा काम किया है हाइपर OS के अपडेट के अंदर, फुल्ली आप लोगों को यहाँ पर जो रीडिज़ाइन कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ये कंट्रोल सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आप लोग इस ब्राइटनेस स्लाइडर को इस तरीके से क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो, और काफ़ी स्मूथ एनिमेशन है वो हम लोगों को नज़र आ जाती है। म्यूजिक का विजेट है उसको भी यहाँ पर देख लेना, और ये वाला आपको म्यूजिक का विजेट मिलता है जब हम लोग कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करेंगे, तब आपको यहाँ पर कंट्रोल्स के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अब काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सेटिंग का आइकन है ना वो यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये रहा सेटिंग का आइकन। इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन यहाँ पर कर सकते हो। थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाके आप लोग अपने कंट्रोल सेंटर को फुल्ली यहाँ पर एडिट कर सकते हो। किसी ऑप्शन को अगर आपको रिमूव करना है तो माइनस वाले बटन पर क्लिक कर देना, अदरवाइज आप लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर आप लोगों को टेक्स्ट है वो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। प्लस इसकी वीडियो के अंदर आपको थर्ड सबसे बड़ा चेंज है ना वो आपको मिलेगा आपकी लॉक स्क्रीन के अंदर। लॉक स्क्रीन के अंदर इस बार काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ये मेरी एक फ़ोटो है और इसके पीछे आप लोगों को ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, मतलब कि क्लॉक नज़र आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं डेप्थ इफेक्ट। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको अपनी लॉक स्क्रीन पे प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएंगे। पहले हमको कुछ इस टाइप की कस्टमाइजेशन है वहाँ पर मिला करती थी, और अब हमने यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करके कुछ इस टाइप का यहाँ पर बना दिया है। मेरी फ़ोटो रिमूव करके मैं आपको एक और नई फ़ोटो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। नीचे की तरफ आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लासिक का, इसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए इंटरफेस हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। एक और बार स्वाइप करोगे तो आपको ये एक अलग ही टेक्स्ट वाली जो एनिमेशन है वो मिलेगी, एक बार बैक आ जाते हैं, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर क्लॉक के नज़र आते हैं। एक बार स्वाइप करोगे तो आपको मैगजीन नेम का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं वो मिल जाते हैं। तो एक बार हम लोग हमारी फ़ोटो है ना उसी को एडिट करते हैं, और उसके बाद में मैं आपको दूसरी फ़ोटो एडिट करके दिखाता हूँ। तो कस्टमाइज वाले बटन पे चले जाना है। अब आप लोगों को ये एक डेप्थ इफेक्ट है इसका ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग इसको ऑफ कर दोगे ना तो पहले यही होता था, हमारी फोटो के आगे हम लोगों को क्लॉक है वो मिल जाती थी, तो अच्छी तरीके से हम लोग हमारी फोटो है उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अब ऐसा नहीं है, आप लोग जैसे यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट पे क्लिक करोगे आपकी फोटो आगे आ जाएगी और जितना भी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर पीछे चला जाएगा, तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी फिल्टर के अंदर आप लोग जाओगे तो आपको एक
मेट इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और इसको आप लोगों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में पूरी फोटो है ना वो यहाँ पर ब्लर हो जाएगी और ऐसा आप लोगों को ये वाला टेक्स्ट है वो नजर आएगा। मुझे यहाँ पर ये इतना कोई खास नहीं लगा है इसलिए मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। बाकी आपको अलग अलग फिल्टर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाते हैं, जैसे कि ये एक फिल्टर है। अब इस पे अगर आप लोग यहाँ पर मेट वाला इफेक्ट लगाओगे तो नथिंग वॉलपेपर है ना, जो कि नथिंग ब्रांड है उनकी तरह यहाँ पर वॉलपेपर है वो क्रिएट हो चुका है और ये आप लोग अलग अलग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि इस बार शाओमी ने काफ़ी अच्छा काम है ना वो यहाँ पर किया है अपने लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऊपर। इतनी अच्छी कस्टमाइजेशन है वो आपको ओनली सैमसंग ब्रांड और जो एप्पल ब्रांड है उसी के अंदर मिलती है और किसी भी ब्रांड के अंदर नहीं है। सभी स्मार्टफोन है मैंने यहाँ पर यूज करके रखे हैं, जैसे कि वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, वीवो। अब गाइज आपको इस क्लॉक पे क्लिक करना है तो क्लॉक पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब इससे आप लोग इसके कलर वगैरह ना वो चेंज कर पाओगे, जैसे कि 01 लिखा गया है ना इस वाले कलर को मुझे चेंज करना है और इसको चेंज करके मुझे इस कलर में कन्वर्ट करना है तो वो मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। प्लस इसके आप लोग ये वाले जो टेक्स्ट हैं वो भी यहाँ पर चेंज कर पाओगे। लास्ट में आपको एक मल्टी कलर का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप लोग अपना खुद का एक फेवरेट कोई भी कलर है वो यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। लेकिन रिकमेंड आपको यही करूँगा इनमें से कोई यहाँ पर अप्लाई करना, ज़्यादा यहाँ पर ये अच्छे तरीके से फ़ोन की तरफ से यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं। नीचे आपको अदर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि 09, सैटरडे, 30 डेट, ये सभी ऑप्शन है ना इसके आप लोग कलर वगैरह है वो चेंज कर पाओगे। यहाँ पर हमने एक ये ग्रीन कलर है इसको अप्लाई किया है तो इस साइड जाओगे तो कलर यहाँ पर डार्क होता जाएगा और ब्लैक हो चुका है और इस साइड जाओगे तो आपके फ़ोन का जो कलर है वो थोड़ा यहाँ पर फेड होता जाएगा। वापस से इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सॉरी एक चीज़ आपको बताना भूल गया, स्टार्टिंग में आप लोग आओगे ना तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दो ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कि जैसे आप लोग इन पर क्लिक कर दोगे तो फ़ोन अपने आप से यहाँ पर आपको दो कलर है ना यहाँ पर रिकमेंड करेगा, जो कि आपकी फ़ोटो है ना वहाँ से ये पिक करेगा और यहाँ पर इन जो क्लॉक है यहाँ पर पेस्ट कर देगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इस वाली क्लॉक पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब आपको टोटल यहाँ पर तीन क्लॉक है वो नज़र आती है। फर्स्ट वाली क्लॉक ये है जो कि कुछ इस टाइप की नज़र आती है, सेकेंड वाली क्लॉक इस टाइप की नज़र आती है और थर्ड वाली क्लॉक इस टाइप की नज़र आती है। तो इन तीनों क्लॉक में से सबसे अच्छी क्लॉक का इंटरफेस है वो आप लोगों को कौन सा लगा है आप लोग बता सकते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। वापस से हम लोग एक बार बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद में दूसरी जो कस्टमाइजेशन है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। अब जैसे कि हमें ये वाली कस्टमाइजेशन करनी है तो कस्टमाइज बटन पर क्लिक करना है, वॉलपेपर हम लोग हमारी गैलरी है वहीं से चूज़ करेंगे, लोकल फ़ोटोज़ का ऑप्शन है ना वो यहाँ पर आ चुका है। तो मान लो मैंने एक वॉलपेपर सेलेक्ट किया है तो अभी मेरे पास में इतना कोई अच्छा वॉलपेपर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोगों को सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और सर्च करना है सहेज वॉलपेपर। आपको हमारा ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग वॉलपेपर्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक बार इस वाले वॉलपेपर को डाउनलोड कर लिया है, इसके हमारे पास में एक कार्टून का जो फेस है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग जाते हैं हमारी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऊपर और देखते हैं कैसा कस्टमाइज है वो हम लोग यहाँ पर कर पाते हैं। तो वापस से हम लोगों को इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, वॉलपेपर के अंदर जाना है और अब हमारे पास में क्योंकि वो वॉलपेपर आ चुका है तो देखते हैं कैसी कस्टमाइजेशन हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। तो डेप्थ इफेक्ट का ऑप्शन है, अब आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे एडजस्ट वॉलपेपर पोजीशन टू मेक डेप्थ इफेक्ट, तो गाइस आपको वॉलपेपर को थोड़ा बड़ा करना है उसके बाद में हो सकता है आपका ये। तो हाँ गाइस यहाँ पर हो चुका है, इसको बस आप लोगों को थोड़ा नीचे की तरफ रखना है। नीचे की तरफ रखोगे ना तो आपका जो ये वाला क्लॉक है वो ऑलरेडी पीछे यहाँ पर जा चुका होगा, बड़ा करके बस नीचे की तरफ कर देना है और हमारा जो डेप्थ इफेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फिल्टर है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है पहले से ही। बाकी क्लॉक पे क्लिक करना है और इस वाली क्लॉक को हमको थोड़ा छोटा कर देना है। तो गाइस इस टाइप की जो लॉक स्क्रीन है वो आप लोग भी यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। अब ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाया है, बाकी इस टाइप की बहुत सारी आप लोगों को क्लॉक है वो यहाँ पर मिल जाती है। ऊपर की तरफ आओगे तो ये जो रोमबस का जो टेक्स्ट है यहाँ पर भी आपको बहुत सारी लॉक स्क्रीन मिल जाएगी, बाकी क्लासिक के अंदर तो आप लोगों को यहाँ पर मिलती ही है। तो एक मेरे को ये चाइनीज़ वाला टेक्स्ट मिला है, देखते हैं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है या फिर नहीं।
तो इसको हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। क्लॉक पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हमने ये वाली क्लॉक को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरे नंबर पे हमने इस वाली डेट को सिलेक्ट कर लिया है। थर्ड वाले नंबर पे हमने ये वाला जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो गाइज़ नीचे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वो मिलते हैं, जितना आप लोग देखते जाओगे ना उतने आपको ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पर हमारा कोई भी नेम वगैरह है ना वो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे। ऊपर की तरफ एक और ये रैम नेम है, इस पर देखते हैं क्या हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो ह्यूमिडिटी वगैरह सारी चीज़ें कितनी है वो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे। बाकी कलर है उस पर क्लिक करेंगे, तो इसके कलर वगैरह मैंने आपको बता दिए थे कैसे चेंज करना है। फ़ॉन्ट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, तो इसके फ़ॉन्ट हैं वो भी आप लोग चेंज कर पाएंगे। तो इस बार सबसे कमाल का जो फीचर है वो आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन है उसी के अंदर देखने को मिलेगा। और सेकेंड सबसे बड़ा जो चेंज है ना वो आपको मिलेगा आपके कंट्रोल सेंटर के अंदर। और इस वाले वॉलपेपर को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने आपको जो टेलीग्राम ग्रुप बताया है वहीं से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे। एक बार कैमरा एपीके को ओपन करते हैं और अब देखते हैं इसके अंदर कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर नहीं। तो हाँ, लाइका कैमरा है ना वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है 0.6x, 1x, 2x। तो इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। एक तो हम लोग 0.6x पे फोटो क्लिक करते हैं, एक हम लोग 1x पे फोटो क्लिक करते हैं और एक हम लोग 2x पे फोटो है उसको क्लिक करते हैं। तो तीनों के ही इंटरफेस हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको ऐसे नज़र आते हैं। और फोटो है ना वो आपको एकदम शार्प क्वालिटी की मिलेगी। बाकी सेकंड हमने ये क्लिक करी है, थर्ड हमने ये क्लिक करी है, तो कीबोर्ड पे जो मिट्टी है ना वो भी यहाँ पर इजीली नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छी शार्प फोटो है वो आप लोग क्लिक कर पाओगे। इस तरीके से स्वाइप करोगे तो बाकी के जो और एडवांस ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। मैक्रो कैमरा वगैरह इन पर आपको जाना है, शिफ्ट होना है, तो वो आप लोग जा पाओगे। सेटिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एक गाइस वाटरमार्क का ऑप्शन यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन आई थिंक वो हम लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आप लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आती है तो बताना कमेंट के अंदर। अभी हम लोग जाते हैं राइट साइड में, तो आप लोगों को ये कुछ इस टाइप के आइकन्स हैं वो मोर वाले बटन के अंदर शो होंगे। एडिट के अंदर जाओगे तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर एडिट कर पाओगे। बाकी सेटिंग के अंदर आप लोग डायरेक्टली यहीं से जा पाओगे। अभी भी मुझे यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिला है स्मार्ट सजेशन। तो गाइज ये सारे आप लोगों को कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी आइकन पैक्स हैं वो मैंने अप्लाई किए हुए हैं, ये वैसे Xiaomi के ऑफिशियल नहीं हैं, थीम की मदद से मैंने अप्लाई किए हैं। अगर आपको ये वाले आइकन्स पसंद हैं तो थीम में आपको दिखा देता हूँ कौन से मैंने अप्लाई की भी है। तो इस थीम का नेम आप लोग देख सकते हो, TOF-Pixel। तो ऐसे आपको थीम के आइकन्स मिल जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। ये वाला जो क्लॉक विजेट है वो आप लोग भी यहाँ पर इजीली लगा पाओगे। इसको लगाने के लिए यूट्यूब को ओपन करना, वॉइस आपको सर्च करना है क्लॉक विजेट सहेज सेन। तो गाइस कुछ अलग ही यहाँ पर सर्च हो चुका है, वापस से हम लोग एक बार सर्च करते हैं क्लॉक विजेट सहेज सेन। तो यार लिख के ही मैं आपको दिखा देता हूँ क्लॉक विजेट। तो जैसे सर्च करोगे यार हमारा टेक्स्ट सबसे ऊपर आ रहा है। तो इस वीडियो को वॉच कर लेना, 37,000 इस वीडियो पे व्यूज़ हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को ये अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।